होगा, रात है नहीं बट सुबह के बजे है 4:45 और हम जा रहे हैं अलग अलग आज घूमने। घूमने तो क्या, आई एम गोइंग विद कॉलेज, लाइक हमारा इंडस्ट्रियल विजिट है स्टूडेंट्स के साथ। सो आई एम गोइंग टू देहरादून एंड ही इज गोइंग टू पंजाब टू विजिट हिज सिस्टर। तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पहली बार हम अलग अलग जगह जा रहे हैं एक ही दिन पे और सुबह के 5 बजे और इतनी तेज बारिश हो रही है, मतलब कल शाम से ही बारिश हो रही है। सो अभी हम चलते हैं एंड हम वहां पर देहरादून में DRTO में हम लोग जाने वाले हैं, तो पूरा कवर करने वाले हूँ उसको आज मैं। एंड पास में देहरादून के और भी जो घूमने के लिए प्लेसेस हैं वो भी अगर टाइम मिला तो हम लोग वहाँ भी जरूर जाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह के 4:45 बजे एंड हाँ और बारिश भी है, तो मजा लेते हैं इस मॉर्निंग डेट का। क्यों अमनीशा उजा, इट्स अ मॉर्निंग डेट। एक्चुअली हम लोग रात को 12 बजे सोए हैं तो हम लोग स्लीपी से है थोड़ा। सो बट Yes, I'm so excited for this college trip and let's go. आ गया जो अगर ऊपर से जाते तो टीचर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैं एग्जैक्ट 4:50 पे कॉलेज में थी, 5 बजे जो है बस ने यहाँ कॉलेज से निकलना था। सो सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आ चुके थे एंड हमें जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो हमें लाइक ऑन द वे हमें मिलने वाले थे एंड जो हमारे साथ एक और फैकल्टी जाने वाले थे सर वो भी हमें करनाल से मिलने वाले थे। सो हम चल पड़े लेयार, लेकिन बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वेदर बहुत सही था, बहुत मज़ा आ रहा था। आ चुके थे एंड हमें जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो हमें लाइक ऑन द वे हमें मिलने वाले थे एंड जो हमारे साथ एक और फैकल्टी जाने वाले थे सर वो भी हमें करनाल से मिलने वाले थे। सो हम चल पड़े लेयार, लेकिन बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वेदर बहुत सही था, बहुत मज़ा आ रहा था। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग मेडिटेशन करने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आज ही मुझे पहली बार लाइफ में मौका मिला है, क्योंकि जनरली मैं 7-8 बजे के आसपास करती हूँ, आज 5 बजे मौका मिला है। तो अब आप सोच रहे हो मेरे हाथ में क्या है, सो दिस इज द डिजिटल चैंटिंग माला जो कि मैंने अमेजोन से परचेज की है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज आती है, तो मुझे ये फिश के डिज़ाइन बहुत पसंद आया एंड ट्रस्ट मी गाइज, वैसे तो ये ना मतलब ठीक है वर्थ है, बट महंगी बहुत थी, 500 की है। आप इसमें 100 वाली भी ले सकते हो, वो बहुत मिनी वाली होती है, बट मेरे को थोड़ा ये फिश का शेप बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। बहुत बहुत सारी वैरायटीज हैं अमेजोन पे, आपको लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसको आपने जस्ट क्या करना है, इसके टच बटन पे आपको क्लिक करना है एंड देन ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा आपको। जैसे आप लाइक माला में आप फिंगर्स के थ्रू से क्रॉस करते हो, इसमें भी आपको यही करना है एंड अपने आप ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा। फिर 108 के बाद आप चाहो तो इसको रीसेट कर सकते हो और चाहो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं जनरली 4 times ये माला का करती हूँ चैंटिंग, सो 108 × 4 इज लाइक 432 के आसपास होता है, बट मैं जनरली कभी कभी तो 108 के बाद रीसेट कर देती हूँ, कभी कभी इसे कंटिन्यू रखती हूँ। तो जैसे कि आप ओम नमः शिवाय या राम राम जो भी आप चैंट करते हो आप उसके थ्रू कर सकते हो,
बट मैं जो है मैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादा गौरा भक्तिवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो मैं ये हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का जाप करती हूँ हर रोज 4 बार, वैसे दिन में 16 बार करना चाहिए। उसका भी बहुत सारे साइंटिफिकल रीजन है और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी मैं इसमें अभी बात नहीं करने वाली हूँ। सो ये है मेरे डिजिटल माला जिसका मैं लिंक आपको देने वाली हूँ। सो कीप चैंटिंग। कहीं कहीं पे जो वीडियोस है वो शूट करने का मौका नहीं लगने वाला है क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल व्लॉग लिटल बिट। सो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं शूट कर सकती हूँ वहीं पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा बिकॉज इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई एम गोइंग टू इंडस्ट्रियल विजिट। सो इंटरेस्ट आएगा आपको बट लिटल बिट ही आप इसमें जो है मैं कवर करने वाली हूँ, पूरा नहीं दिखाने वाली हूँ कुछ भी। सो वी हैव टेकन होल्ट एट मन्नत ढाबा यमुनानगर। हमने यहाँ पे चाय पी एंड आलू का परांठा खाया जिससे मुझे बड़ी 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 गैस हुई यार। मौसम बहुत ही प्यारा था, पूरा दिन बारिश होती रही। यहाँ पे बहुत बहुत भीग गए थे हम लोग। एंड पता है एक कंस्ट्रेंट क्या हुआ, यहाँ जब हमने DRDO में एंटर किया ना तो बाहर ही बसेस में हमारे फोन्स एंड जो भी हमने स्मार्ट वॉचेस कैरी करी हुई थी वो सब बैग में इन्होंने रखवा दिया। DRDO की मेन प्रॉपर्टी जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ पर कोई भी गैजेट अलाउड नहीं था। सो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ इससे रिलेटेड। लेकिन बाद में फिर जब हम लोग सेंटर से बाहर आए जहाँ पे गार्डन था एंड वहाँ पे हमने फिर थोड़ा बहुत फोटो शूट किया एंड वीडियो शेयर किया तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ यहाँ के। लेकिन वेदर बहुत अच्छा था एंड सेंटर्स में जो हमने विजिट किया जो नॉलेज हमने ग्रैप। हे गाइस, सो ये है मेरी मोटी बहन मोटी। ये सुकुलू बहन। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरी वीडियो में कैसे आ गई, तो इसका बहुत डिटेल वर्जन आने वाला है। मोटी बहन के हस्बैंड, इनको तो आपने मेरी काफी वीडियोस में देखा ही होगा। से हाय। हेलो। तो ये बेचारे दोनों मुझे आधी रात को यानी कि 12:15 बजे आए हैं बेचारे मुझे सी ऑफ करने। थक गए, देखो कैसे आंखें हो रही हैं बेचारों की। मैं हूँ अभी एट प्रेजेंट कनौज स्टेशन पे। तो मैं यहाँ कैसे पहुंची, इग्नोर में क्यों पहुंची वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है बहुत जल्दी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जस्ट वेट नहीं, जस्ट होता है, जस्ट होता है यार, जस्ट वेट एंड वॉच। मतलब कल रात 3 बजे से अब 12 बजे तक आई हैव टेकन नो स्लीप। अभी भी कितनी फ्रेश फीलिंग आ रही है, यू कैन सी ऑन माई आईज। इस मेरी ट्रेन आ चुकी है, यू कैन सी पीछे से, हेयर कम्स माई ट्रेन। से बाय बाय। तुम कब जा रहे हो घूमने? We are just on the way on 20th December. 20th December? Oh, sorry. 20th December. 20th April. We are just coming this way. Okay, after 20 days only. कौन सा S2 दिख रहा है? मेरा पति बाहर खड़ा ही होगा वैसे तो, इतना सियाना तो है। पीछे है, पीछे है, पीछे चलो, पीछे करो, पीछे भागो। इतना
मैं बड़ा पॉपर्टू है, मैं अभी ट्रेन में चढ़ गई थी, मतलब मैं अकेली, मतलब कुछ सस्पेंस था जो आपको आगे मेरा पता चलने वाला है, मैं ट्रेन में चढ़ गई और एंड आई वाज लाइक कि कॉल क्यों नहीं आई, कॉल क्यों नहीं, फिर पता चला है कि मैं गलत ट्रेन में थी। भाग भाग कर हम लोग आए तीनों पागलों की तरह और पता चला गलत ट्रेन में थी, माई ट्रेन तो अभी आई नहीं है यार। अब मेरी फाइनली ट्रेन आ रही है हिमाचल एक्सप्रेस, आई होप कि अब की बार मैं सही ट्रेन में चढ़ने वाली हूँ, है ना गौरव? यस 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 यू विल। बस सो सो मच एडवेंचर। सो माई ट्रेन कम, ये देखो पति देव से बात करते हुए, अंधेरा भाई दिख रही। हेलो, आज हमने बहुत बड़ा लेसन लिया, गलत ट्रेन में चढ़ गई थी मैं, पत्नी को तो नहीं आ जाती हो, चढ़ गई थी एस टू में, याद आया मैडम को, शुक्र है मैडम को, दो जम्मू तभी, अरे ये अभी गई है, जस्ट अभी गई है, ये वहाँ पे खड़ी थी जम्मू तभी, उसके बाद आई और वो क्रॉस करवाई है। मैडम को याद आया ये ऐसी खड़ी है एस टू में, तेरी मेरे पति का फोन नहीं आ रहा, मैं तो उतर रही हूँ, मेरे को पति का फोन नहीं आया, ट्रेन का नाम कहता जम्मू तभी, उतर भाई उतर, मैंने कहा मैं अंदर चढ़ गई, बाहर तक लेने नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है, मम्मी मेरे को वही पूछ रही थी, इतनी तेज भाग भाग के आया। हाय गाइस, ये था मेरा उत्तराखंड स्टेट का व्लॉग जिसमें मैंने देहरादून कवर किया, एंड 4 o'clock हम मॉर्निंग में निकले थे, अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज गई है एंड मैं स्मालखा पहुंचने ही वाली हूँ, और मैंने कॉल किया है अपनी सिस्टर को ताकि वो मुझे लेकर जाए, क्योंकि मुझे आगे जाना है पंजाब। एक दिन में मैं बहुत सारी स्टेट कवर करने वाली हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एडवेंचरस, बिकॉज बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है जब हम ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अभी वो मुझे गाड़ी में पिक करने आई है, क्योंकि गनोर और स्मालखा में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगते हैं, सो अभी मैं उसके घर रेस्ट करने वाली हूँ थोड़ी देर, एंड मतलब 10 बजे तक पहुँच जाऊँगी, फिर रेस्ट करके थोड़ा सा, एंड ये लोग मुझे 12 बजे स्टेशन पर छोड़ाएंगे गनोर से, फिर मैं लेने वाली हूँ ट्रेन अपनी पंजाब के लिए। देहरादून से हम लोग रात के 10 बजे वापस पहुंच गए, एंड इनकी ट्रेन थी 12 बजे, सो एंड कल की मेरी ऑफ भी हो गया, तो रिलीफ मिल गया, तो हमने प्लान किया कि अब हम दोनों साथ में ही पंजाब जाने वाले हैं। यस, अब दीदी के लिए है सरप्राइज, क्योंकि पहले था कि मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑफ भी नहीं था और पता नहीं था कि कितने बजे हम लोग देहरादून से वापस आने वाले, तो अब हो गया सरप्राइज। सो एंड मैं यहाँ तक कैसे पहुँची कि मैं पाइट से ना, मतलब वो गनोर पास पड़ता है, तो माई सिस्टर केम टू पिक मी अप, एंड तो मैं गनोर में उतर गई, एंड फिर मैं उनके घर थोड़ी देर रुकी, एंड फिर वो मुझे यहाँ पर स्टेशन पर छोड़ कर गए, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर सोनीपत से और मैं यहाँ गनोर से, एंड फिर हम यहाँ पे गनोर पर मिल गए, है ना? अब नीचे की हो रहे हो? काट रही हूँ, नहीं काट रही थी मैं, वीडियो क्वालिटी बेकार है, नहीं काट रही थी। सो दिस इज आवर सरप्राइज व्लॉग, बहुत सारा कुछ हुआ इस व्लॉग में। एक कंस्ट्रेंट ये भी था कि देहरादून में जहाँ हम DRDO में गए थे वहाँ पे हमारे फोन्स वगैरह सब सबमिट हो गए थे, तो वहाँ पर मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, बट मैंने जो जो कैप्चर करा वो मतलब इतना ही कर पाई कि थोड़ा बहुत ही आपको मिलेगा। बट यस, दिस इज ऑल अबाउट देहरादून, सोनीपत, गनोर एंड पंजाब, मिक्सिंग ऑफ ऑल द स्टेट्स। सो सी यू गाइज and we'll meet in the next video. Till then, subscribe to my channel, and if you like this adventurous vlog and 4 state vlog, so comment karo, like karo, share karo.